नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या, मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज की डिश। बनाने वाली हूँ पालक का साग। पालक और चना मैंने लिया है और इसमें मैंने थोड़ी मेथी भी डाली है। हमारे यूपी में मिक्स साग बनता है, तो इसमें आप बथुआ भी डाल सकते हैं। तो मैंने राई के पत्ते, सरसों के पत्ते और पालक और ये चने का साग लिया है। और इसमें डालने के लिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये चावल का आटा है, थोड़ा सा गेहूं का आटा है, ये भी मैंने लिया है 4 चम्मच। तो चलिए मैं इसको हांडी में बनाने वाली हूँ चूल्हे पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इसको काट लेती हूँ। ये चने का साग है, इसको जब हम साफ करते हैं तो इस तरीके से ये करना है, तोड़ना है, नहीं तो इसमें रेशे रेशे आते हैं और फिर वो मुँह दांत के अंदर फंसते हैं। तो इसको मैंने ये सारा साफ करके रखा हुआ है, अब मैं इसको काट लेती हूँ। पतला पतला हम इसको काट लेंगे। इसी तरह से हम पालक का भी काट लेंगे। जब भी आप चने और पालक का साग काट रहे हो तो उससे पहले जब आप इसको साफ करते हैं, इसमें से गंद निकालते हैं, तो ऐसे झटक के साग को देख लें, उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। छोटे छोटे हरे कलर के जो कीड़े होते हैं ना, वो साग के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इसमें साग काट कर डाल देती हूँ। इसी तरीके से इसमें डालना है हमें सारा काट करके, और इसको उबालना है। इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा हमें उबालने में। तो मैं सारा काट कर इसमें डाल लेती हूँ। पहले गाइस, मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च 10 से 15 और लहसुन की कलियाँ भी डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देती हूँ। मेरा 1 से 1.25 किलो तक का मेरा ये पालक का साग और चने का साग था, तो इसमें 1 चम्मच नमक मैंने डाला है। बाद में भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि बाद में थोड़ा पतला होता है, तो बाद में डालना पड़ता है। मैं इसको मिक्स करके मैं इसको ढक के पका लेती हूँ। बस इस तरीके से आप कुकर में भी उबाल के और हांडी में, गैस पे भी बना सकते हैं। मैं तो आज चूल्हे पे बना रही हूँ, सर्दी का मौसम है इसलिए मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। नहीं तो आप इसे कुकर में उबाल के गैस पे भी इसी तरीके से हांडी में बना सकते हैं। पक चुका है, अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है। 5 मिनट ये पक चुका है, 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे। इसके बाद हम इसको घोटेंगे, घोटने से यानी इससे मिक्स करेंगे हम इसको, ऐसे करके पीसेंगे। अब ये काफ़ी पक चुका है, गल चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको इससे पीसना शुरू करूँगी देसी स्टाइल में, ऐसे करके। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर से भी पीस सकते हैं, पर इससे पिसा हुआ साग बड़ा ही टेस्टी लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा पिसा है, अभी इसको बिल्कुल महीन करना है। काफ़ी पीस चुका है, लेकिन चूल्हे की आंच तेज़ है, इसलिए मैं इसको किसी चीज़ पे उतार कर तब पीसने वाली हूँ। मैं एक छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई स्टैंड भी ले सकते हैं और इस तरह से करके इसको पीस सकते हैं। चुका है, अभी थोड़ा और भी पीसेगा, मुझे 5 मिनट इसको पीसने में लगे हैं। और अब मैं इसमें चावल का और जो गेहूं का आटा मैंने लिया था, मैं इसको पानी में मिक्स करके इसके अंदर डालने वाली हूँ। आप इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हैं, बेसन का भी स्वाद इसमें अच्छा आता है, पर ज़्यादातर हम लोग चावल का आटा इसमें मिक्स करते हैं। ये इसमें 1 गिलास पानी के लगभग मैंने डाल दिया है। और अब इस आलन, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी धीरे धीरे करके, फिर इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए,
नहीं तो साग का टेस्ट खराब हो जाता है। ये देखिए इससे और भी गाढ़ा हो जाएगा। और पीस तो ये चुका है, अब इसमें और हम पानी डालेंगे। लगभग इसमें आधा लीटर से भी ज़्यादा पानी डलेगा क्योंकि ये भी बहुत पकेगा। अब मैं इसको वापस चूल्हे पर रख देती हूँ और इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये वापस से मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब इसको पकने देंगे हम 15 मिनट। अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो कुकर में उबालकर हांडी में गैस पर सिम करके बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। स्वाद वही आएगा जो आपको चूल्हे के स्वाद आ रहा है। यहाँ पर मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच नमक क्योंकि मैंने पानी इसमें डाला था, और थोड़ा सा मैं हींग डालूँगी, आधा चम्मच से भी कम, एक चौथाई चम्मच। और अदरक के कुछ टुकड़े मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और इसको हम अभी पकाएंगे 10 मिनट। इसको अब हम अभी और पकाएंगे। ये देखिए महीन हो चुका है और इसका कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है। जो हम कुकर में उबाल के बनाते हैं उसका कलर ऐसा नहीं होता है, ब्लैक हो जाता है। और कुछ लोगों की शिकायत रहती कि हमारी हांडी टूट जाती है जब हम इसे घिसते हैं, तो उसको नीचे उतार कर ही घिसे तो हांडी ज़्यादा गर्म होने की वजह से टूट जाती है। ये देखिए साग बिल्कुल अच्छे से पक गया है, 10 मिनट हो चुकी है और बहुत ही महीन ये हो गया है। और मैं इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच मक्खन। अब इसको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। फिर भी अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो लहसुन प्याज डाल करके आप इसमें अलग पैन में डाल करके आप इसको तड़का लगा सकते हैं। मैं इसको उतार लेती हूँ। तैयार है मक्खन के साथ, आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये साग बनता है हांडी में। अगर आप हांडी में बनाते हैं तो ज़रूर बना के देखें। और दही और चावल की रोटी के साथ मैंने इसको सर्व किया है, तो आप भी इस तरीके से बनाएं और बताएं मेरी रेसिपी कैसी बनी है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।